एग्जाम आते जाते लगता था कि एक क्वेश्चन तो बनने वाला है नहीं, और अटक के रह जाते थे। कितने फर्स्ट ड्रॉप ईयर की बात है, फर्स्ट ड्रॉप ईयर की बात है, फर्स्ट डे एमबीबीएस। और वो ऐसा था कि मैं मोमेंट की मैं सोचने लगा कि रिफंड लेकर निकल लेता हूँ, ये शायद हो नहीं पाएगा मेरे से, मेरे बस की ना लग रही है। मैंने दिया सीपीआर, पेशेंट रिवाइव्ड, और वो भी मेरा बर्थडे वाला दिन था, मुझे पार्टी में जाना था। आई वॉज वेरी होम सिक दैट टाइम, तो माँ की बहुत याद आती थी। बेड से उठता था तो सांस पकड़ लेता था। माय सिचुएशन वाज, हे गाइस, वेल्कम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ रोहन कौशिक, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनएमसीएच पटना। तो मेरे चैनल पे एक सीरीज चल रही है, माय लाइफ माय स्टोरीज। तो आज अपनी कहानी लेकर हमारे साथ हैं डॉक्टर वैभव बॉस, और इनको टीचर बोले, मोटिवेटर बोले, एक अच्छा स्टूडेंट बोले, एक अच्छा डॉक्टर बोले। मैं चाहता था कि मेरे चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी स्टोरी और इनके बारे में पता चले। तो बॉस, ये जो शुरुआत हुई, एक अगर हम बात करें कहीं ना कहीं 10th क्लास के आसपास, जब आपको चूज़ करना होता है स्ट्रीम्स के बीच में, वहाँ से हम शुरू करते हैं। मेरा जो टाइम था वो 2005 अप्रॉक्स था, जब मैंने 12th किया था। 2003 में मैंने 10th किया था। उस टाइम कोचिंग्स के इतने नाम नहीं थे, एक आध दो नाम चलते थे, बंसल हो गया, एलन हो गया। जब मैं 10th पास किया, लकली आई गॉट 74%, अब मुझे भी नहीं पता आया कैसे, एनी हाउ इट वॉज गुड एनफ। उसके बाद भाई कोचिंग्स करने लगे। टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं एक गाइडेंस नहीं था, एक वो नहीं था जो आज के लोगों को बहुत ईजिली मिल जाता है थ्रू यूट्यूब, थ्रू वीडियो लेक्चर्स, एनीथिंग। उस टाइम टीचर्स के पास फेस टू फेस जाके पढ़ना होता था। अब कितना दिमाग था क्या था, ये तो 12th का रिजल्ट ही बताया। मैं और मेरे दोस्त बैठे थे, जमाल शाहिद, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि तेरा केमिस्ट्री में कितना है और मेरा कितना है। उसने बोला मैं तो फेल हो रहा हूँ। मैं बोला कि मैं भी आसपास ही फेल हो रहा हूँ। तो बस रिजल्ट का वेट करते रह गए। रिजल्ट आया, रिजल्ट था 65%। उसे मुझे तो पता लग गया था कि घर वाले अब मारने वाले हैं या कुछ होने वाला है। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं डाउन करके रखा, छिप के रखा। उसके बाद जैसे तैसे दो दिन बाद मेरी ट्रेन थी कोटा की, एलएन में एडमिशन लिया था मैंने। तो ये था कि जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ। 2005 में वहाँ पे देखा माहौल बहुत अच्छा था, एलएन में पहली क्लास थी, ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, पढ़ा था नहीं पहले तो, लेकिन ठीक है, लड़कों को देख के कुछ ना कुछ लगा। आई वॉज़ वेरी होम सिक दैट टाइम, तो माँ की बहुत याद आती थी कि अब 3 बज गया है, माँ आने वाली होगी, डैडी भी आने वाले होंगे, बैठ के खाना खाएंगे। तो वो चीज़ सोच के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होम सिक मैं फील करने लगा। तो एनी हाउ मैंने माँ को पीसीओ से, मोबाइल तो उस टाइम इतने हुआ नहीं करते थे, फोन भी तो पीसीओ से जाके मैंने माँ को फ़ोन किया। आई चेक माई पल्स, इट वॉज 102 अप्रॉक्स। मैंने बताया उसको, बातें की, तो यही बताया कि माँ आई एम वेरी होम सिक एंड दिस दैट। उसने बोला कि छोड़ के चले आओ, नेक्स्ट ईयर जाना। तो ठीक है, दिल्ली। कितने दिन में आपको ऐसा मतलब फील हुआ, माँ को कब कॉल किए थे वो सब? ये दो दिन के अंदर ही होम सिक हो गया, और वो चीज़ें वहीं रह गई। फिर दोस्त थे दिल्ली में, उन्होंने बुला लिया, वही दोस्तों का, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वो केमिस्ट्री, ये बायो डिस्कस करेगा और टॉप कर लेंगे अपन। एग्ज़ाम आते जाते लगता था कि एक क्वेश्चन तो बनने वाला है नहीं, और अटक के रह जाते थे। कितने फर्स्ट ड्रॉप ईयर की बात है, फर्स्ट ड्रॉप ईयर की बात है, अटक के रह जाते थे 40% 50% मार्क्स पे। तो ऐसे 2 साल चला। तो दिल्ली के बाद फिर मैं कोटा गया, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आई हैव टू डू समथिंग। एलन में रैंक लिस्ट लगती थी सबकी, सभी लोग जाते थे, तो मेरा भी होप रहता था कि कहीं ना कहीं अंडर 500 आ जाएगा, अंडर 200 आ जाएगा, अंडर 100 आ जाएगा, इस बार तो अंडर 100 आ जाएगा। रैंक खींच के जाती थी 800 900 1200 में। फिर मैं आता था रूम पे, मैं कहता क्या गलत हो गया, फिर मैं सोचता था चलो ठीक है, लेट इट बी, नेक्स्ट एग्ज़ाम में देखेंगे, फिर 15 दिन बाद देखेंगे। वही कहानी रिपीट होती गई। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेप लेटर, जिसे मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन करता हूं, मुझे ड्रीम पैक 4.0 के नए नोट्स भेजे। Along with the notes of 19 subjects, मुझे ये बैग और एक नोटबुक absolutely free मिली है इसके साथ। आइए अब देखते हैं इस नोट्स में क्या स्पेशल है। इस नोट्स की सबसे खास बात ये लगी मुझे कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डायग्राम्स और जो इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट करके एक ही चैप्टर के अंदर दे दिया गया है, जिससे हमें अलग अलग बुक्स और सोर्सेज में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हर चैप्टर के लास्ट में क्लिनिकल क्वेश्चंस जो उस चैप्टर से एसोसिएटेड है वो आपको विद सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएंगे। हर टॉपिक के बाद उससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट नेमोनिक्स का भी डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया गया है, और साथ ही वीडियो में बहुत सारे चार्ट्स और कितने मिनट पर वीडियो में कौन सा टॉपिक शुरू हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर प्रेप लैडर ऐप को डाउनलोड करिए, और आज ही लॉग इन करने पर अगले 24 आवर्स के लिए प्रीमियम कंटेंट प्रेप लैडर का बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, और आप खुद से भी नोट्स का रिव्यू कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने वीडियो की तरफ।
लेकिन मैं एक बता दूं कि कोचिंग के जो टेस्ट के पैटर्न्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हाई लेवल के होते हैं, और एग्ज़ाम्स के होते हैं तो वो 3 घंटे आपके मैटर करते हैं कि आप वो 3 घंटे क्या कर रहे हो, हाउ यू आर मैनेजिंग दोज 3 आवर्स इन योर एग्ज़ाम, हाउ अलर्ट यू आर एंड वॉट इज़ योर वे टू सॉल्व दोज एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं वो कभी होप लूज़ नहीं किया। फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मणिपाल का एग्ज़ाम दिया, उसमें 700 रैंक आया, क्वेश्चन एयर उठा सबका कैसे आ गया। डीप डाउन आई वॉज नोइंग कि आई यूज़ टू स्टडी डे एंड नाइट, आई यूज़ टू वर्क हार्ड, दिमाग थोड़ा कम था, लेकिन एनी हाउ आई मैनेज दैट। उसके बाद कॉमेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें 274 रैंक आई मेरी। तो घर वाले ने बोला कि एडमिशन ले लो, हम लोग कुछ ज़मीन बेच के पढ़ा लेंगे तुम्हें। तो मुझे कुछ पैसे ला के दिए घर से, वो काउंटेबल थे, 500 के नोट थे, बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। 500 के नोट थे, 1000 के नोट थे, 10 के नोट थे, 50 के, 100 के, सारे नोट्स दे दिए गए कि बेटा काउंट कर लो, कल DD बना के लेके चले जाओ। तो इन्हें डिसाइडेड कि नहीं, मुझे एडमिशन नहीं लेना है, आई विल गो फॉर वन मोर ड्रॉप। तो पेरेंट्स ने बोला कि ड्रॉप तो तुम ले लोगे, लेकिन वेयर इज सर्टेनिटी इन दिस सीट्स। नेक्स्ट डे पापा ने किया कि यार डीडी बना के लाए, 3,25,000 का। और काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, मामा मामी से सबसे, कि कुछ पैसे कम पड़ेंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो everyone was ready that time कि ठीक है पढ़ाइए आप, देखा जाएगा। ये अगर हम पूछें ऐसे कि डॉक्टर वैभव आज, मतलब उस वक्त फर्स्ट ईयर में आप कौन थे, और फाइनल ईयर जब आप MBBS के फाइनल ईयर में पहुंचे तब आप क्या थे? फर्स्ट डे आई डू रिमेम्बर, मैं क्लास में बैठा तो कुछ फीमोरल ट्राइंगल चल रहा था। अच्छा। जब फीमोरल ट्राइंगल मैम पढ़ाई तो वॉट आर द बाउंड्रीज, वॉट आर द रूफ ऑफ फीमोरल ट्राइंगल मैंने लिखा, फिर व्हाट इज द कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल मैंने लिखा, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्राइंगल मैंने लिखा, व्हाट इज द बेस ऑफ फीमोरल मैंने लिखा। तो मेरा दिमाग चला कि फीमोरल ट्राइंगल है कितना। अच्छा, फर्स्ट डे MBBS, और वो ऐसा था कि मैं मोमेंट की मैं सोचने लगा कि रिफंड लेकर निकल लेता हूँ, ये शायद हो नहीं पाएगा मेरे से, मेरे बस की ना लग रही है। धीरे धीरे यूज टू हो गया, क्लासेस करने लगे, दोस्तों के साथ समझ में आने लगा। सीनियर्स बहुत गाइड करते हैं, मतलब सीनियर्स आर द बेस्ट पार्ट ऑफ योर MBBS एंड एनी जर्नी, दे डू गाइड यू फॉर एवरीथिंग। वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कराते हैं। आई कैन से सो सिटिंग विद यू। रैगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंट्रोडक्शन होता है आमने सामने का कि आप कौन हैं, हम कौन हैं। तो बस इस इंट्रोडक्शन की तरह ही रखा जाए, क्योंकि कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। हाँ, ये मिसयूज को मैं टोटली सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप फिजिकल उस पर जाइए, आप उसको मेंटली टॉर्चर कीजिए, आप एकदम सैडिस्ट बन जाइए, आई डोंट सपोर्ट। तो बॉस से जब मिला पहली बार तो डर गया ऐसे कि इतने सीनियर बॉस है, जूनियर है, मतलब फिर, लेकिन एक ही इंटरेक्शन में ऐसा चेंज आया कि आज बॉस के साथ बैठा हूँ, इनके घर पे ही, बॉस के घर पे ही बैठ करके, और ये वीडियो बना रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा खाना भी खाएगा। तो आपकी नज़र में सीनियरिटी क्या है इस फील्ड में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर सी माई सेल्फ एज अ सीनियर, क्यों, आई फाइंड माई सेल्फ इन जूनियर, कि वो क्या सोच रहा है। और वो तभी आते हैं ना जब उनको कुछ चाहिए होता है। एक तो वो डरे हुए रहते हैं कि इतने सीनियर हैं, मैं उनको डरा के और क्या पालूंगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे, और इनफैक्ट वो डर जाएगा, उसके अंदर गलत इंप्रेशन भी आएगा। तो मैं आई कीप माई सेल्फ काम, मेक देम कंफर्टेबल कि वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू टेल मी ही शुड टेल, वो क्या कहना चाहता है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, मैं सुनूंगा तभी तो कुछ करूंगा। और मैं जूनियर्स के साथ इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स उन्हीं के साथ खेलना है, कंफर्टेबल स्पेस बनता है। मतलब मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर एक जूनियर सीनियर का एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। नहीं, बहुत ज़्यादा वो उसको हर जगह हेल्प करेगा, पढ़ाई लिखाई तो हेल्प करेगा ही करेगा, और जूनियर बाइक भी तो मांग के सीनियर से ही ले जाएगा। बिल्कुल। और पार्टी सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जो 3 ईयर्स का स्टाइपेंड था वो 14 बैच से लेके अभी तक सारे खा गए। आई नेवर सेव्ड अ पेनी। एक बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में कि जो डॉक्टर होते हैं उनको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, मतलब उनकी लाइफ में। सी व्हाट आई डू, मैं अपने पर्सनल लाइफ को मैं अपने प्रोफेशनल से टोटली डिफरेंट, मतलब अलग रखता हूँ एकदम। व्हेन आई एम हॉस्पिटल, मीट मी, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सर्जन, आई ऑपरेट यू, आई सेव यू, वॉट एवर आई कैन डू आई डू एज अ डॉक्टर। आप बाहर मिलो मेरे से, एज अ फ्रेंड मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए यंगर ब्रदर मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड पर मिलो, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू यू शुड डू, वो आपको करना ही चाहिए।
जैसे सोसाइटी का परसेप्शन होता है एक, फिर होता है कि एक्सपेक्टेशंस भी होती है सोसाइटी की। डॉक्टर सिर्फ फ्री में सर्विस क्यों नहीं दे देते हैं लोगों को, सब मतलब पैसे क्यों चार्ज करते हैं? मेरे दादा का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, इवन मम्मी का भी, मैं उन लोग को देखता हूँ, दे बोथ आर डॉक्टर। दादा तो एक्सपायर कर गए, माई मम्मी इज़ अ डॉक्टर, तो वो हमेशा सिखाती रहती है, मैं उसको देखता हूँ कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। वो रात दिन काम करके पैसे इकट्ठा किए कि मैं पढ़ सकूँ, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट मैं नहीं भूल सकता हूँ। वो आज भी बहुत एथिकल प्रैक्टिस करती है, जो गरीब होता है उससे चार्ज ली नहीं ली वो भी मैटर नहीं करता है, जो जो देता है ठीक है, इट्स ओके। तो दादा यूज टू से डॉक्टर इज़ नॉट ए डॉक्टर, इट्स ए रिलीजन, इट्स ए सेपरेट रिलीजन। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि आपका पेशेंट मरे, दैट ही शुड डाई, ही ऑलवेज वॉन्ट टू सेव दैट पेशेंट। अब वो आपकी तरफ से ही है। अब ये मान लीजिए लड़का ड्रंक है, लड़का 90 पे गाड़ी चलाया, लड़के ने गाड़ी ठोकी, लड़के ने एक्सीडेंट किया, फ्रैक्चर हुआ लड़के का, आप हॉस्पिटल लेके आए, मैं तो सेव करना चाह रहा हूँ ना, मेरा रोल कहाँ है कि मैं लड़के का एक्सीडेंट कराया, मैं तो उसकी तरफ से हूँ कि मैं उसे सेव करूँ, एंड इन द प्रोसेस इफ ही डाइज बाय हाइपोवोलेमिक शॉक, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आई एम जस्ट ए ह्यूमन बींग, मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, बस मैं पढ़ा हूँ, मैंने नॉलेज लिया है जो मैं अप्लाई करके सेव करता हूँ पेशेंट्स की लाइफ। वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी था, मैंने CPR दिया, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, मैंने दिया CPR, पेशेंट रिवाइव्ड। वो भी मेरा बर्थडे वाला दिन था, मुझे पार्टी में जाना था, 8 बजे था, मैंने रिवाइव किया, ही वॉज रिवाइव, मेरे लिए उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? तो ये मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर चुराता है, ये करता है, और फ्री में सर्विस क्यों दे? क्या डॉक्टर की फैमिली नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? उसके बच्चे क्या फ्री में पढ़ते हैं? उनकी फीस कौन देगा? उसके घर में खाना कौन लाएगा? उसे गाड़ी में पेट्रोल कौन भराएगा? तो वो भी तो आप ही की तरह जी रहा है, बस उसका प्रोफेशन एक डॉक्टर है। आपका प्रोफेशन चाहे बैंक हो या पुलिस वाले हो या कोई प्रोफेशन हो, आप भी तो सैलरी लेते हो, वो भी तो ले रहा है। सब जगह अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आई एम राइट एट एवरी प्लेस, पर जो जेन्युइन है वही करता है डॉक्टर। और पेशेंट रिलेशनशिप तो ऐसा है कि व्हाट आई फील व्हेन ए पेशेंट कम्स, आई टॉक टू हिम, तो उससे उसका आधा दर्द दूर हो जाता है। वो बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो पैनिक है ऑलरेडी, उसका पेशेंट है जो बीमार है, उसकी उसको सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करेगा? वो तो वो कहीं ना कहीं तो परेशान है। तो आप उससे अगर प्यार से बात करते हो, जो मैं करता हूँ हमेशा, पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पेशेंट अटेंडेंट को रिलीफ मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। हंस के मैं माँ को देखता हूँ, वो हंस के बात करती है, पेशेंट बस मिलने आता है उससे कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गया था आपसे मिले नहीं हम, क्या बात है। तो मम्मी माई मम गिव्स देम टाइम, उनको टाइम देती है, बैठती है, बात करती है कि नहीं मेरे लिए पेशेंट उतने दूर से आया है बस मिलने, फ़ोटो खींचते हैं कि आप मेरी भगवान है। मम्मी कहती मैं भगवान नहीं हूँ, आप मेरी ज़िंदगी बचा, ठीक है ये मेरा काम था मैंने बचाया। तो वो चीज़ें मैं देख के बड़ा हुआ हूँ बचपन से, तो वो चीज़ें अंदर ही हैं कहीं ना कहीं कि कैसे पेशेंट से रिलेशन रखना है, कैसे उन्हें ट्रीट करना है। तो वो आज भी मैं इन लोग को यही सिखाता हूँ कि व्हेनेवर पेशेंट कम्स टू यू, सबसे पहला होता है आप आराम से बात कीजिए, उसकी चीज़ों को सुनिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि क्या है? क्लिनिकल नॉलेज को मिक्स कीजिए, पुट योर फार्माकोलॉजी, पुट योर मेडिसिन, पुट एवरीथिंग रेडियोलॉजी एंड एवरीथिंग एंड टेक आउट द सॉल्यूशन एंड ट्रीट योर पेशेंट। बस वो जो फर्स्ट वेव था कोविड का, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस लेकर के आया, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के? आई वॉन्ट कि लोगों को पता चले कि ही इज़ वन ऑफ द सर्वाइवर्स सिटिंग विद मी, तो बस उस जर्नी के बारे में बताइए। फर्स्ट वेव था, यानी पता नहीं कहाँ से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पटना की तरफ आ रहा था, तो मेरा कज़न मेरे साथ था छोटा 12 साल का, तो उसके साथ आया, तो मुझे फील हुआ कि आई एम हैविंग सम बैक एक एंड मेलाइज टाइप थिंग, थोड़ा बदन दर्द ये सब फील हुआ। मैं कहा कि मैं घर निकल लेता हूँ, 6 घंटे लगेंगे, फिर मैंने सोचा कि आई शुड गेट माई सेल्फ टेस्टेड, क्योंकि घर क्यों जाऊँ मैं? तो मैं सैंपल दिया, नेक्स्ट डे इट वॉज पॉजिटिव, जुलाई 14, 2020। या मैं अपने आप को एक रूम में बंद किया, और द सेम टाइम माई मदर वॉज ऑल्सो इन्फेक्टेड, तो वो बहुत बड़ा टाइम था, मतलब इतना इमोशनल, इतना ये था कि मैं जा भी नहीं सकता था और माँ को या किसी को बुला भी नहीं सकता था। और अब पटना में ही हो? मैं पटना में ही था, अपने रूम में था। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मेडिकेशंस ला के दिया मुझे,
अमित था, अजय, तो उन्होंने बाहर के फ्रेंड्स हैं मेरे, नॉन मेडिकल्स हैं, तो वो मेडिसिन ला के मुझे दिए। और 10 शादी हुई थी मेरे दिसंबर में, तो शी ऑल्सो केम बैक, माई वाइफ शिखा, शी केम बैक फ्रॉम होम। फर्स्ट वेव की बात बता रहा हूँ, 5 किलोमीटर दूर से कोविड हो जाता था, सुन लिया कोविड है तो कोविड हो गया। तो कुछ लोगों ने बोला कि कुछ ब्लड टेस्ट कुछ नहीं कराना है, शी वॉज एडमिट, नहीं आई विल गेट हिमसेल्फ टेस्टेड फॉर एवरीथिंग। मैं भी डॉक्टर हैं खुद, तो उनको, शी इज ऑल्सो अ सर्जन। इसका अपना प्रोटोकॉल था, ये पीपी किट पहन के, आई विल शो यू द फोटोज, शी टुक मी, एक हॉस्पिटल में हो रहा था वहाँ इसने ले गया मुझे, मैं भी पीपी किट पहना था, उसमें सिटी स्कैन हुआ, इट केम टू 14/25, वाइट लंग्स, ठीक है, सब कुछ हुआ। मेरा ये हालत था कि मुझे फीवर 103 परसीव नहीं हो रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू फील दैट टेम्परेचर, मतलब अभी भी गूज़बम्स, यू कैन सी दैट। तो वो ऐसा था, उसके बाद मेरा सिचुएशन गिरने लगा, कोई ऑक्सीजन सप्लीमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो आई गॉट माई सेल्फ एडमिटेड इन NMCH ओनली। तो एक पॉजिटिव और एडमिट होने के बीच में कितना दिन का गैप था? बस ये कुछ 5 दिन का गैप, 5 दिन मैं काटा। आई यूज टू, मैं अपने हाथ से ही कोल्ड स्पॉन्जिंग करता था, चाय बनाना, कुछ बनाना, कुछ सारी चीज़ें मैं करता था। आई यूज टू फील पॉजिटिव, पर दुनिया को कुछ या ज़िंदगी कुछ अलग ही चाहिए था, कुछ अलग, क्या कहते हैं, एडवेंचरस चाहिए था। और बस जिम आपका कंटिन्यू था, मतलब ऐसा और ये चीजें उस टाइम फर्स्ट वेव में था कि जो जिम करता है, जो फिट है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, बट दिस वाज अ ब्रेक इन द स्टीरियोटाइप। और तो मुझे अभी भी याद है, हर कॉलेजेस में काफी लोगों में ये हड़कंप हो गया कि वो इतना फिट है, उसको हो गया था, मेरे को होगा तो क्या होगा। मैं NMCH में गया, वाइफ ने ही एक वार्ड खुलवाया, सुपरिटेंडेंट से बात करके, एंड ही सपोर्टेड, एक वार्ड खोला, उसमें मैं था, ऑक्सीजन लगा के था, तो पहली बार लगा कि कैच इन ब्रेथ होता क्या है, मतलब वो कोई लगे कि सांस कोई पकड़ लिया है। 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन से 80 भी था, ठीक है, मैं धीरे धीरे रिकवर करने लगा। तो इनके एक मामा जी हैं, ही इज़ कार्डियोलॉजिस्ट, ही यूज़ टू गिव टाइम, उन्होंने बहुत टाइम दिया, पर्सनल टाइम, अपार्ट फ्रॉम बींग बिजी इन हिज ओन हॉस्पिटल ऑफ मैक्स। एक एनेस्थेसिस्ट का नाम लेना चाहूँगा मैं, नाम है डॉक्टर किशोर, पर्सनली वो आते थे मेरे लिए, यूज टू गिव मी द पंच, यू विल बी फाइन सून। मेरे जो कलीग्स थे वो आते थे, जैसे मेरे जूनियर्स थे तो पवन हो गया, दीपक हो गया, कि बॉस क्या कर रहे हो, चलना है जल्दी, चलो मटन खाते हैं, ठीक है। मेरा ब्रदर इन लॉ तो था ही, ही वॉज देयर एवरी 24/7 फॉर मी, उज्ज्वल। उसके बाद आकाश, वो मेरे लिए जो किया वो कौन करेगा, आई रियली एडोर दैट थिंग ही। वो तो मुझे छोड़ने वार्ड तक चला जाता था, एम्स में शिफ्ट हुआ, एम्स पटना। कितने दिन बाद बॉस? करीब 8 दिन के बाद मैं एम्स शिफ्ट हुआ। मैंने 2 टॉक्लिज़ुमैब ले लिया था, 45,000 ईच, 6 रेमडेसिविर ले लिया था मैंने। लास्ट रेमेडी वॉज प्लाज्मा, जो फर्स्ट वेव में बहुत पॉपुलर था, वहाँ से प्लाज्मा अवेलेबल ही नहीं था, लोग काफ़ी कुछ मतलब मॉनिटरी टर्म्स में थे कि 1 लाख रुपए में प्लाज्मा मिलेगा, 2 लाख में मिलेगा, लेट इट बी, जान बचानी तो लोग देना ही देना है। तो आई गॉट 1 or 2 डोनर्स ऑल्सो। मेरा सिचुएशन 80 ड्रॉप हो गया था, टैकेपनिक हो गया था, 46 रेस्पिरेटरी रेट था, 46 रेस्पिरेटरी रेट था। मैं बस प्रोन में लेटा रहता था। मैं गया, मुझे याद है, मैं वार्ड में गया, एम्स के वार्ड में, तो माई वाइफ कॉल्ड एवरी वन पॉसिबल थिंग्स, शी गॉट अरेंज द बेड, जब बेड नहीं अवेलेबल था उस टाइम, जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट थी, बहुत ज़्यादा केसेस थे, बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी थी, वैक्सीन नहीं था, कुछ प्रोटोकॉल नहीं था कि व्हेन समवन वाज डूइंग समथिंग फॉर यू इट्स मैटर्स। वो प्लाज्मा लाने के लिए मेरे साथ मेरे जूनियर्स खड़े थे, मिथिलेश, कन्हैया, शंभू, ये सब खड़े थे कि बॉस किसको लाना है मुझे बताइए, मैं लेके आऊँगा। तो ये दे हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। ICU में मैं इंटर किया, आई रिमेम्बर, मैं ट्रॉली बैठा था, अपना सैंडल लिया था, सारे सामान लेके बैठा था, ऑक्सीजन लगा के मैं जा रहा था। मैंने कहा ठीक है, अब उस टाइम जो TV में देखता था, एक बढ़िया रूम होगा कॉरपोरेट का, बढ़िया बैठेंगे अपना देखेंगे। व्हेन आई इंटर्ड, मेरी नज़र लेफ्ट साइड गई, सारे के सारे इंटूबेशन वेंटिलेटर पे, इधर भी वेंटिलेटर पे, इधर भी वेंटिलेटर पे। मैंने बोला ब्रदर को, अब मैंने ब्रदर को, ब्रदर आई एम अ डॉक्टर, बोला यस सर, आई वांट अ सेपरेट रूम एंड बेड।
तो उसने यही बोला कि सर दिस इज द सिंगल बेड विच इज एम्प्टी, अभी एक पेशेंट डी एसलेट किया मैंने नॉर्मल रूम में, इफ़ यू वॉन्ट यू टेक, अदरवाइज वी कैन नॉट गिव। मैं दूसरे को, मैंने कहा अरे नहीं, गिव इट टू मी। मैं भी एयर बैग मास्क पे ही था, तो वो टाइम ऐसा था कि उसने बहुत कुछ चेंज लाया मेरे में। चेंज ऐसा लाया, मैं खुद आईसीयू में जाता हूँ, पेशेंट्स को ऑपरेट करता हूँ, आई डू ऑपरेट देम, गनशॉट हुआ, स्टैब हुआ, कोई भी चीज़ें हुई, आई डू ऑपरेट देम। मैं आईसीयू जाता हूँ, देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, चला आता हूँ। बट व्हेन यू आर ऑन बेड, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती हैं। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया मेरे लाइफ में कि मैं केवल शीशा देखता था कि ये दिन कब कटेगा, ये चिड़िया कब दिखेगी, ये शाम कब होगी, ये सुबह कब होगी। और लोग जो थे, वाइफ और मेरे ब्रदर इन लॉ नीचे बैठे ही रहते थे 24/7 गाड़ी में, तो दे यूज़ टू बी देयर। मुझे लगा चलो ठीक है, मैं तो रोता भी था कि मुझे ले चलो यहाँ से, हो गया अब, हो गया। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल मोमेंट था वो मेरे लिए। कुछ ब्लड टेस्ट होता, मैंने कहा मैं एटलीस्ट 200 इंजेक्शंस लिया हूँ, और 200 इंजेक्शन लिया, दो बार सीटी स्कैन कराया था मैं, वाइट आउट लंग्स था। हाँ, एक चीज़ मैं नहीं छोड़ा था, वो था खाना। इतना आता था मेरे लिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यहाँ पे जो रिलेटिव्स थे इनके, वो मेरी वाइफ को सब ला के देते थे। मेरे जो नेबर थे, मैंने बताया, उनके यहाँ से भी खाना आता था, मिथिलेश के यहाँ से, तो वो मैं पूरा खाता था। मैंने कभी खाना नहीं छोड़ा, बहुत खाता था। आई यूज़ टू टेक प्रोटीन ऑल्सो सप्लीमेंट, कहीं हद तक वो भी काम किया मेरे लिए। तो आई वॉज फिट एंड हेल्दी, आई रिकवर्ड एनी हाउ, आई केम बैक। तब तक पोस्टिंग आ गई, पोस्टिंग आ गई अगस्त में मैंने ज्वाइन किया। आई वेंट ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर एंड मास्क, आई ज्वाइंट, आई देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो सेकेंड। अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर तक मैं काम स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ, फिर वही था, आप बचे तो आपको बचाना। देन ऑल्सो आई यूज टू बी ए पीपी एंड वर्क आउट इन हॉस्पिटल। आप डेथ बेड से वापस आते हो। और बताना चाहूँगा कि जस्ट मैं निकला था, रिजल्ट आया तो फिर हुआ कि मैं टॉप कर गया हूँ कॉलेज। मैंने कहा चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, फ्रॉम रैक्स टू रिच। तो 65% था ट्वेल्थ में, वहाँ से गोल्ड मेडल पाना, तो आई इवॉल्व। पर चीज़ ये थी कि मैं सेलिब्रेट करूँ कि नहीं, तो क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, तो मैं सेलिब्रेट करूँ कि नहीं, तो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड ओके। फिर आया कि तुम यूनिवर्सिटी टॉप कर गए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए था, कोई इमोशन कोई ये नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठा रहा। फिर पता चला कि यूनिवर्सिटी नहीं, सारे सर्जिकल फील्ड्स में मैं कर लिया हूँ, ऑप्थैली, एंटी, सारे ऑर्थो मिला के सर्जरी। तो मैं सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड देन ऑल सर्जिकल फील्ड्स में टॉप कर गया हूँ। तो इट वाज दैट मोमेंट कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया जो मुझे करना था कभी ना कभी। द थिंग वाज दैट, पहले मैं पढ़ता नहीं था उतना, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि यू शुड स्टडी इन योर कॉलेज लाइफ। एवरी डे आई यूज़ टू स्टडी 2 and 3 hours, आई यूज़ टू स्टडी। मैं टाइम निकालता था, मैं पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेहनत करना है, मैं करता था। वो आदत लग गई मुझे, वो आदत लगी, मैं उसको भी यहाँ भी करता था। कॉलेज में भी यही सीन था मेरा, आई यूज़ टू वर्क आउट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में काम करता था, फिर मैं जिम जाता था, बैडमिंटन खेलता था, पढ़ता था, खाना बनाता, फिर मैं काम करता था। तो ये चीज़ें हमेशा से चलती रह गई, रूटीन बना रहा, और वो चीज़ें बहुत हेल्प की। तो बस जैसे ये जर्नी 10th से शुरू हुई, 11th, 12th, फिर दो बार ड्रॉप, फिर जा करके फाइनली कॉलेज आना, फिर उसके बाद पीजी, काफ़ी सारा वक्त बीता। बट अगर हम ऐसे कहें कि एज अ डॉक्टर या एज अ ह्यूमन बीइंग, किस पॉइंट पे आपको लगा कि आई हैव चेंज नाउ, आपको फील हुआ कि आई एम नॉट द ओल्ड वैभव? जब मैं कॉलेज में था, मैं तो घर से गया था, आई वॉज वेरी हाइपर टाइप। तो कॉलेज में मैं सस्पेंड भी हुआ था एक बार। अच्छा। तो पेरेंट्स आए थे। अच्छा। तो वो सस्पेंशन बहुत मैटर किया मेरे लाइफ में, बहुत इम्पैक्ट किया, कि ड्यू टू मी माई पेरेंट्स आर सफरिंग। होली का टाइम था, वो ट्रेवल कर रहे थे, वो आए 7 दिन 8 दिन, दो महीने सस्पेंड रहा मैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। दो महीने में सस्पेंड था। माई कॉलेज वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई एम हैप्पी आई वॉज इन दैट कॉलेज, वट टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा चीज़ ये था कि मैं कन्वोकेशन में था, मम्मी पापा आए थे, ग्रेजुएशन था, कैप उड़ाना था। तो मेरे बैच की जो टॉपर थी, तो शी गॉट 13 गोल्ड मेडल्स, 1-3 इन MBBS, इतने सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें। उस कॉलेज का तो था ही, उसके में बैच का था ही, यूनिवर्सिटी का भी था उसका। तो डीन ने बोला कि
गिव इट टू मी, आई विल होल्ड इट फॉर यू। तो मम्मी ने बोला मेरे से, बेटा तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें एक नहीं मिला? तो मम्मी को कौन बताया, यहाँ तो और भी काम था, क्रिकेट खेलना, खाना, घूमना, मैं पूरा साउथ एक्सप्लोर कर चुका था। तो दोस्त यार थे, उन्हीं में टाइम कटा रहता था, तो कटता चला गया। लेकिन डीप डाउन इट वॉज देयर इन मी कि आई हैड टू मेक देम प्राउड समडे। प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा था, तो एक लोगों का बहुत ज़्यादा वो होता है कि प्राइवेट से पढ़ा है, प्राइवेट से पढ़ा है, ठीक है। तो बस आपका AIPMT में सर्टेन रैंक मतलब लाने के बाद ही आप अक्वायर किए थे वहाँ से? मैं AIPMT से नहीं, कॉमेट के थ्रू। कॉमेट के थ्रू, सॉरी। हाँ, तो आई गॉट 272 रैंक, तो मैं उससे लिया था, ठीक है। फिर भी डजेंट मैटर, लोगों के लिए रहता है कि प्राइवेट है तो प्राइवेट है, ठीक है, देयर। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, वट आई हैव गेन वो मेरे में पता चलता है। देन आई सिक्योर 4307 रैंक इन नीट, और नीट के थ्रू मुझे MS मिला। नीट पीजी। तो घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी खुश था, चलो गवर्नमेंट ले लिया, रैंक है बॉस मेरा। यू विल गेट, डोंट वरी। तो वो चीज़ थी, तो मिला मुझे। तो फिर मैं कॉलेज में जब आया, तो कॉलेज लाइफ भी जीना था मेरे को, खेलना कूदना तो चलता रहता है इधर, क्रिकेट आज भी चलता रहता है, क्रिकेट, बैडमिंटन, एवरीथिंग। मैं पढ़ाता इसीलिए हूँ बच्चों को, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आई सर्च 5 to 6 बुक्स। एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जो हायर बुक पढ़ के आते हैं, या जिनकी ले लेनी है, तो उनकी तो मैं ले लूँगा। तो वो चीज़ें मैं पढ़ के जाता हूँ, तो मैं उनको पढ़ाता हूँ इसीलिए। डेली कुछ ना कुछ पढ़ना, कहीं ना कहीं पेपर प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें मैंने किया पूरे टाइम। बिहार के बिहार चैप्टर तरफ से एसिकॉन में भी, जो सर्जरी का सबसे बड़ा होता है फेस्ट, जहाँ सर्जन सारे वर्ल्ड, इंडिया के सर्जन आते हैं, वर्ल्ड के सर्जन आते हैं, वहाँ मैंने प्रेजेंट किया। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी मैंने, वही चीज़ें काम की। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में गोल्ड पाया, तो घर वालों को बहुत खुशी हुई, दैट मेडल मीन्स ए लॉट टू मी। जो सर्जरी मुझे पसंद थी, मेरा ड्रीम ब्रांच था, जिसके लिए मैं DNB 1300 रैंक छोड़ चुका था, डॉक्टर तुषार मेहता को आप जानते ही होंगे, तो सर से बहुत क्लोजनेस है, सर बहुत काफ़ी बार गाइड किए हैं मुझे, काफ़ी बार उन्होंने हेल्प किया। उस टाइम उन्होंने यही बोला कि बेटा, वैसी बात करते, बेटा गैम्बल है, करेगा? मैंने कहा हाँ सर, तेरे को छोड़ना होगा, लेकिन तेरे को 100% नहीं 200% देना। मैंने कहा ठीक है सर, आई विल गिव माई 200%। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आई ड्रॉप DNB एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट। फिर से पर वहाँ भी ड्रॉप? नहीं, उस टाइम DNB अलग होता था। अच्छा, DNB अलग। हाँ, छः महीने पे। अच्छा। तो मैं दिया, आई गॉट रैंक। रोहन खंडेलवाल सर को जानते होंगे आप? हाँ, स्टाइल वर्ड कह रहे थे। तो सर से भी बात होती थी उस टाइम पर्सनली। आई यूज टू कॉल हिम इन नाइट्स व्हेन आई यूज टू गेट पैनिक अटैक्स एंड सब, कि रैंक कैसे आएगा, क्योंकि दोस्त मेरे निकल चुके थे। अच्छा, ये तो बहुत मेरे दोस्त निकल चुके थे, लेकिन वो मेरा साथ नहीं कभी छोड़े। दे यूज टू कम टू मी, बाबा हो जाएगा, बाबा हो जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद डैम्स के एक बहुत बड़े टीचर ने बोला एनेस्थीशिया ले ले। तो मेरा ड्रीम था ही नहीं ऐसे, वेरी गुड ब्रांच, मेरा ड्रीम था ऑन टेबल। तो मैंने ड्रॉप लिया दो बार उसके लिए, नहीं होता फिर ड्रॉप लेता मैं। तो आई हैड टू बिकम दैट सर्जन ओनली, सर्जरी ही करना था। मैं सभी जूनियर्स को सजेस्ट करता हूँ, आपको भी सजेस्ट करता हूँ, यू शुड प्ले ए स्पोर्ट इन योर लाइफ। ए स्पोर्ट इज मच मच नीडेड इन योर लाइफ, दैट टेल्स यू हाउ टू हैंडल ए प्रेशर, हाउ टू कीप योर सेल्फ काम, हाउ टू अचीव योर गोल्स। उस चीज़ों को जब अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आती है कि हाउ टू टेक योर सेल्फ फ्रॉम योर डिप्रेसिव लाइफ, और एनी मतलब क्या कहते हैं, परेशानियों से जूझ के निकलने की जो ताकत होती है वो स्पोर्ट्स से आती है। लेट इट बी एनी थिंग, हाँ, बट राइट वर्क एट राइट टाइम। ये नहीं एग्जाम्स आ गए आप स्पोर्ट्स खेलने लग गए, तो राइट वर्क एट राइट टाइम। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, बट डू प्ले स्पोर्ट्स। तो टाइम कैसे बीत गया पता नहीं चला, बहुत बहुत सारी चीज़ें आज मुझे पर्सनली भी सीखने को मिली, और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और काफ़ी मज़ा आया होगा ये कॉन्वर्सेशन पूरा सुन करके और बॉस के बारे में सारी बातें जान करके। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इसमें। लास्ट में एक चीज़ मैं बॉस से पूछना चाहूँगा, बींग जूनियर, बींग अ लर्नर, बींग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग सीख कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो बॉस आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ाई मैटर करता है बहुत ज़्यादा, फैमिली सपोर्ट इज़ मच नीडेड। मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ, मेरे फादर हमेशा कहने लगे, मेरी माँ बस ये कहती थी, बेटा लाइन बाय लाइन पढ़ना। वो कभी पूछी नहीं कितना रैंक आया तुम्हारा, क्या आया, कितना आया। दे वर नेवर अब्सेस्ड विद माई ग्रेड्स, और मैं तो था ही नहीं कि उतना ला ही नहीं पाऊँ।
74% पे डैडी ने बोला था कि 80% पे मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा, 74% में अपनी चाबी दी थी कि बेटा सुबह तुम 3 घंटे चलाओगे और बाकी टाइम बाइक मेरी। 12th में सोचा कि चलो इस बार तो तीर मारी देंगे, 65 पटक गया। तो और फ्रॉम 65% टू टेकिंग गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी इन ऑल द मेडिकल सर्जिकल फील्ड्स, मैं यही बोलना चाहूँगा कि ग्रेड्स नेवर मैटर। आप पढ़िए, आप कंसेप्ट बनाइए, जिसके परसेंटेज ज़्यादा है जाहिर सी बात है पढ़ा है तभी आए हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, वो ख़राब बात नहीं है। लेकिन जिसके नहीं आए हैं लाइक मी, मेरे जैसे लोग, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, नेवर लूज़ फेथ इन योरसेल्फ। मैं कितना भी नीचे रह गया, कितने भी ड्रॉप लिए, LN में कभी 500 से अंदर नहीं आया मेरा। अपने फ्रेंड्स को काउंसलिंग कराते देखता था, बैठता मैं कहता यार क्या ज़िंदगी है उसकी, वो तो मैं तो यहीं रह गया। लेकिन आई नेवर लॉस्ट होप इन माई सेल्फ, वो कभी नहीं हारना है ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी। ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, और जो करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए करना, उसके बाद जो मंजिल मिलेगी पीछे कोई नहीं देखता, नो बडी लुक्स। और फिर आपका अचीवमेंट रहता है वो जो आप लाइफ में कैरी करेंगे। डोंट डेविएट योर सेल्फ, आप बैठिए, आपका काम है केवल पढ़ाई करना। यू आर लकी कि यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। मैं आपको अगर बताऊं, माय ग्रैंडफादर वाज ए होम्योपैथी डॉक्टर, वो पुआल जला के पढ़ते थे, लकड़ी जला के पढ़ते थे, और वो कोल माइंस में मैनेजर थे, वहाँ उनका मन नहीं लगा, वो BHU से अपना डिग्री लिया उन्होंने और प्रैक्टिस करने लगे। ही वॉज़ ए वेरी रिनोन डॉक्टर इन माई सिटी, अभी भी लोग जानते हैं। माई मदर, मेरे मामा इंजीनियर हैं, मम्मी डॉक्टर हैं, ये लोग 12 बजे रात में स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, एक रूम में 6 लोग रहते थे, पैसे नहीं थे, 6 लोग रहते थे, ये लोग 12 बजे रात में पढ़ते थे, मामा 12 बजे कहते थे चलो अंदर, क्यों? क्योंकि उस टाइम मूवी टाइम छूटता था, लोग आते थे, भीड़ हो जाती थी, अंदर चले गए, 10 मिनट बाद खाली हुआ, फिर आके वो स्ट्रीट लाइट पढ़ते थे। आज शी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ रिटायर्ड इंजीनियर। तो आपको अपने एम्स अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता जब तक आप लगे रहोगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका लगना बहुत ज़रूरी है, नेवर लूज़ फेथ इन योरसेल्फ। आप लकी हैं कि आपके पेरेंट्स आपको दे रखे हैं पढ़ने के लिए, एंड यू हैज जस्ट वन वर्क टू सिट एंड स्टडी। आप खाना खाइए बढ़िया, आप पढ़िए, आप रिजल्ट लाइए, दैट्स इट। मेरी माँ को आज भी राइटर के नाम याद होंगे, 2 रुपए 5 पैसे में ये राइटर का। अपने टीचर का नाम याद है कि ये केमिस्ट्री की मिस बानो थी, वो आती थी तो पढ़ाती थी, उस टाइम साइंस का क्रेज हुआ करता था, साइंस बहुत कम लोग लेते थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर कर गई। तो नेवर लूज फेथ इन सेल्फ एंड ऑलवेज वर्क हार्ड, एंड दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन। कीप एक्सेलिंग, एन्जॉय योर लाइफ, कीप योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट, एंड बस जिंदगी है छोटी सी, कटती चली जाएगी। थैंक यू सो मच बॉस टाइम देने के लिए, और इतना मतलब बिजी शेड्यूल से, और फिर अभी बॉस की ड्यूटी भी, आज संडे था जब हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो आज टाइम निकाल के बॉस हम लोगों ने प्लान किया था ये सब कुछ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जब तक हाथ में खून नहीं लगता चैन से नींद नहीं आती। कबीर सिंह आपने मूवी में देखा, और यहाँ पे कबीर सिंह बॉस एक बार हो सकता है कि बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे कि आपके बाइसेप्स को अगर बाइसेप्स, आई लव जिमिंग, मैं एग्जाम उसके यूनिवर्सिटी के साथ ही करता था कॉलेज में, उसके बाद अभी कुछ मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए, ये बाइसेप्स 17 इंच के हैं। क्या बात है, एंड वन मोर ट्राइसेप्स, आई लव टू बी फिट। ये भी एक रीज़न था कहीं ना कहीं मैं कोविड में सर्वाइव कर गया। बस दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर शोइंग हाउ पीपल सी ओनली रिजल्ट एंड सक्सेस विदाउट द स्ट्रगल। कभी एक ज़माना हुआ करता था जब मेरे जूते फटे हुए होते थे स्कूल के फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, तो कई बार मामा ने भरे थे, आई डू रिमेम्बर। और आज आई अर्न माई ओन मनी एंड आई हैव अ फुल वार्डरोब ऑफ शूज़। तो चीज़ें चेंज होती हैं, स्ट्रगल से होती हैं, एंड एवरीबडी हैज़ ए स्ट्रगल स्टोरी। वो वही जान पाता है जो उनके शूज़ में होता है, बाकी लोगों के लिए तो बस ये बातें हैं।